हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। डेली बेसिस में आप सबको एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम में 100% आते हैं। जितने भी आप एग्जाम दिए होंगे, आपने देखा होगा कि मेरे पढ़ाए हुए सभी क्वेश्चंस आते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप डेली बेसिस मेरे साथ बने रहेंगे कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, थ्योरी सेशन से लेकर एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों डेली बेसिस पे लगे रहिए। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। और कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम, जब भी वैकेंसी आएगा उसमें आपका एक्सिट होना चाहिए। लेकिन प्रिपरेशन पहले से करते रहेंगे तब आपका संभव होता है, क्योंकि इतना कंपटीशन हाई हो गया है, इतनी सारी लोग पढ़ के बैठे हुए हैं सभी चीज़ों को, कि वहाँ पे फाइट करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है प्रेजेंट में। और जितना आगे बढ़ेगा उतना ही मुश्किल होगा। इसलिए डेली बेसिस पर आप एक प्रॉपर टाइम बना लीजिए कि इतना हमको पढ़ना ही है, और सभी काम तो आपको देखना ही है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं नहीं कि केवल पढ़ना है, तो वो सब समझ सकते हैं। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, आवृत्ति सारणी फ्रिक्वेंसी टेबल में एफ द्वारा क्या दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्टैटिक्स केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़े होंगे, तो फ्रिक्वेंसी टेबल में एफ से आवृत्ति कॉलम यानी कि फ्रिक्वेंसी कॉलम को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस विज्ञान में बल का अध्ययन किया जाता है। एक क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी टीआरएफ 2 के अंतर्गत। तो दोस्तों, जैसा कि किस विज्ञान में बल का अध्ययन किया जाता है, तो ए काइनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है, काइनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि बीपीएससी टीआई 2 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वह क्षेत्र जहां बलों का अध्ययन फोकस में रहता है क्या कहलाता है, तो काइनेटिक्स। एक होता है दोस्तों काइनेमेटिक्स, जिसको शुद्ध गति के विज्ञान कहते हैं। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि लगाए गए बल के परिणाम स्वरूप जो वस्तु की गति के रूप में संख्यात्मक परिवर्तन आता है, यानी कि बल से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन न करके उनके परिणामों के आधार पर जो वस्तु में गति में परिवर्तन आता है उसका अध्ययन किया जाता है काइनेमेटिक्स, यानी कि शुद्ध गति की विज्ञान के अंतर्गत। जबकि काइनेटिक के अंतर्गत बल जो है, बल का अध्ययन फोकस में होता है, बल विज्ञान के रूप में जाना जाता है, बल का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि दोनों में आपको कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। जब भी बल पर जोर दिया जाएगा तो काइनेटिक्स होगा, बल के साथ गति को मेन जोर दिया जाएगा तो काइनेमेटिक्स होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं। तो दोस्तों, खेल, लोक नृत्य, संगीत, ये सभी आपके मनोरंजन के साधन हैं। नेक्स्ट है, मनोरंजन हमें देता है दोस्तों एक सामाजिक समानता देता है। एक साथ मिलकर के खेलते हैं तो सब में समान भावना आता है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, जैसे कि मनोरंजन रिक्रिएशन यानी पुनः, क्रिएशन मतलब निर्माण करना, री मतलब पुनः और क्रिएशन मतलब निर्माण करना, यानी कि इंग्लिश में रिक्रिएशन का अर्थ होगा पुनः निर्माण करना। और हिंदी में मनोरंजन यानी कि मन को आनंदित करने वाला मनोरंजन कहलाता है, यानी मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों का विकास। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शासकीय, स्वयंसेवी, निजी और व्यापारिक मनोरंजन। शासकीय में एनसीसी, एनएसएस आदि आ जाएंगे, एंड स्वयंसेवी में YMCA, YWCA, एंड निजी में नृत्य क्लब, ऑर्केस्ट्रा, वाद विवाद, एंड व्यापारिक में टीवी प्रदर्शन, प्रदर्शनी आदि आते हैं। नेक्स्ट है, शैक्षिक संस्थान मनोरंजन कार्यक्रम संचालन का मुख्य अंग है। तो दोस्तों, ज्यादातर बच्चे शैक्षिक संस्थान स्कूलों में ही सीखते हैं, ये सत्य है। नेक्स्ट दोस्तों, परीक्षण एवं टेस्टिंग का मानक निर्भर है। तो दोस्तों, परीक्षण के मूल्यांकन की कसौटी यानी अच्छे परिसर की कसौटियाँ होती हैं, तीन होती हैं। एक होता है वैज्ञानिक प्रमाणिकता यानी कि साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिबिलिटी यानी कि प्रशासनिक व्यवहारिकता, और तीसरा होता है शैक्षिक प्रयोग यानी एजुकेशनल एप्लीकेशन। तो जो आपका वैज्ञानिक प्रमाणिकता होता है उसके अंतर्गत रिलेबिलिटी,
वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आते हैं, जिसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन वाले जो वीडियो है फिजिकल फिटनेस, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी एंड रिलेबिलिटी, ये उपरोक्त सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है विश्वसनीयता, यानी रिलायबिलिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि किसी समूह पर आप किसी परीक्षण का बार बार प्रयोग कर रहे हैं और उसके बावजूद सभी परीक्षणों का एक ही रिजल्ट आए, परिणाम आए, तो उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीय है यह परीक्षण। ऑप्शन नंबर घ यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। एंड जो आपका विश्वसनीयता रिलेबल होता है, कहने का तात्पर्य है कि बार बार परीक्षण यानी टेस्ट लेने पर एक जैसा स्कोर प्राप्त हो, तो उसे आप रिलेबिलिटी कहते हैं। और यह छह प्रकार का होता है, छह प्रकार की विधियां होती हैं, जैसे कि टेस्ट रीटेस्ट मेथड, फाइनल फॉर्म मेथड एंड इंटरनल कॉस्ट कंसिस्टेंसी मेथड एंड स्पीड हॉफ मेथड और कूडर रिचर्सन मेथड। नेक्स्ट है मोच यानी स्प्रेन का कारण है दोस्तों, हर बार ये चीजें आपको रटा हुआ है कि मोच यानी स्प्रेन का कारण होता है लिगामेंट का जो टूटना। लिगामेंट जो है दो हड्डियों को जोड़ों पर एक दूसरे को बांधे रखती है, एंड इसके अत्यधिक खिंच जाने से, चोट लगने से मोच यानी स्प्रेन नामक चोट लगता है। और जो टेंडन होता है वो मांस कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जुड़े रखता है, और मांसपेशी या टेंडन में जो चोट होता है उसे खिंचाव या स्ट्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट है खेल चोटें लगने का क्या कारण है, तो दोस्तों केयरलेसनेस यानी कि लापरवाही, ज्ञान की कमी लॉक ऑफ नॉलेज, अपर्याप्त प्रशिक्षण यानी कि लैंड क्यूट ट्रेनिंग, ये सभी चीजें आपकी चोट लगने का कारण होता है। नेक्स्ट दोस्तों वैधता यानी कि वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जिस परीक्षण को हम जिस लिए बनाए हैं वो उसी चीज को मापे, न कि किसी और चीज को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि परीक्षण द्वारा उसी गुण को मापा जाना चाहिए जिसके लिए उसका उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है फेफड़ों की क्षमता का मापन, जो श्वसन क्षमता होता है वह स्पायरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को एक जैसी परिस्थिति में उसी परीक्षण से दो या दो से ज्यादा बार माप लिया जाता है और ऐसी स्थिति में यदि परिणाम एक जैसा आए तो इस तरह के परीक्षण को क्या कहा जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि आप समझ गए होंगे कि इसको क्या कहा जाएगा, क्योंकि एक ही परीक्षण को कई समूहों पर बार बार प्रयोग किया जा रहा है, परिणाम एक जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय परीक्षण यानी कि रिलायबल टेस्टिंग। नेक्स्ट है पेशी खिंचाव यानी कि मसल पुल क्यों होता है, तो दोस्तों मसल पुल जो होता है पेशी के अत्यधिक खिंच जाने से यानी मस्कुलर इम्बैलेंस से होता है, एंड खनिज की कमी यानी जो मिनरल्स होती है डिफिशियंसी हो जाती है, हमारे शरीर में कमी हो जाती है, एंड खेलने से पहले पर्याप्त वार्म अप ना करना, वार्म अप जो यानी कि शरीर को गर्माना, अगर आप शरीर में वार्म अप नहीं करेंगे तो आपकी जो मसल्स होती है वो क्या होंगी, उसमें लचीलापन नहीं होगा, यानी कि वार्म अप करने से हमारे बॉडी में गर्माहट आती है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं सभी अंग, यानी कि लचीलापन होता है, और जिससे जो हम कोई क्रिया करते हैं, खेल खेलते हैं, तो वो चोटें कम आती हैं। तो यहाँ पे राइट उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मोच यानी स्प्रेन एक चोट है, ये दो बार क्वेश्चन आ गया, लिगामेंट की एक चोट है। नेक्स्ट है खेल चोटों को कम किया जा सकता है, इसमें जो ऑप्शन दिया है सोनाबाद द्वारा, स्टीम बाद द्वारा, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें सबसे मोस्ट होगा आपका मालिश के द्वारा। खेल के एक डेढ़ घंटे या दो घंटे पहले आप शरीर पर अच्छे से मालिश करवाए रहेंगे तो उसमें भी आपके
बॉडी में लचीलापन हो जाएगा जिससे चोट कम लगेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में आता है? तो दोस्तों घाव की श्रेणी में जो है वह चार चीजें आता है जिसको जिसका ट्रिक है पीला, पी आई एल ए, पीला यानी कि पी से पांचन यानी छेद हो जाना, ठीक है, यानी कि नुकीले उपकरण से मुलायम उत्तक में छेद हो जाना जिससे खून निकलने की संभावना बनी रहती है, और वी आई, आई से होता है इनसीजन्स यानी कट लग जाना, जिसे नुकीले उपकरण से कट लग जाता है जिस चमड़ी टेंडन पेशी और रक्त वाहिनियों पर लगता है, और पी आई एल ए, एल से हो जाएगा लेसरेशन यानी रगड़ लग करके रक्त आ जाना, ठीक है, यानी चमड़ी पर आघात लगने से चमड़ी फट जाती है और रक्त का स्त्राव होने लगता है। एल ए, ए से होगा एवरेजन यानी कि लाल पड़ जाना, यानी किसी मैदान पर गिर जाने या रगड़ लग जाने को कहा जाता है लाल पड़ जाना यानी एवरेजन। इसको ट्रफ बर्न, मेट बर्न, फ्लोर या सिंडर बर्न भी कहा जाता है, और खेल मैदान की सतह के आधार पर इसको एब्रेजन को एस्ट्राबेरी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे लैक्रेशन, एब्रेजन, ये दोनों आपका क ख दोनों आपका घाव के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक त्वचा संबंधी चोट है? दोस्तों एक फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, स्प्लिट डिस्क, ये सभी कठोर उत्तक की चोटें हैं, हड्डियों की चोटें हैं, बट एवरेजन जो है वो त्वचा संबंधी चोट है। नेक्स्ट दोस्तों, न्यूटन का द्वितीय नियम है, आपको पता है न्यूटन ने तीन नियम दिए हुए हैं गति के। तो प्रथम नियम है लॉ ऑफ इनर्सिया यानी कि जड़त्व का नियम, जिसे जड़ता का नियम, अक्रमण्यता का नियम, गलियों का नियम भी कहते हैं, और दूसरा नियम है संवेग का नियम यानी त्वरण का नियम, जिसे लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम या बल के प्रतिफल का नियम आदि नामों से जाना जाता है। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसे लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या काउंटर फोर्स लॉ या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्शन आदि नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे बल गुणे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण यानी मास गुणे एक्सीलरेशन आपका ये न्यूटन के द्वितीय नियम का सूत्र होता है। यह दूरी और दिशा को दर्शाता है। द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? कि किसी वस्तु के एक निश्चित दिशा में संवेग परिवर्तन की दर का उस वस्तु पर लगाए गए बल के प्रतिफल का अनुपात त्वरण कहलाता है। यानी जब असंतुलित बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे दूसरा भी सही रहेगा। और जड़त्व का नियम पहले नियम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे यह जड़त्व कोण को दर्शाता है, एंगल को दर्शाता है, तो ये भी आपका राइट होगा। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, लीवर कितने प्रकार के होते हैं? लीवर यानी उत्तोलक की बात कर रहा है। तो लीवर जो है तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय प्रकार का, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, ठीक है, एफ ए आर 312, यानी कि एक के नीचे आपको क्या दिख रहा है, एक के नीचे आपको दिख रहा है ए, यानी प्रथम प्रकार के उत्तोलक में एक्सिस बीच में रहता है, एंड दो के ऊपर क्या दिख रहा है आर, यानी कि द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस यानी कि भार जो है वो बीच में होता है फोर्स और एक्सिस के। और दोस्तों तृतीय प्रकार जो तीन के ऊपर एफ दिख रहा है, यानी तृतीय प्रकार के उत्तोलक में एफ यानी फोर्स बीच में होता है एक्सिस और रेसिस्टेंस के। प्रथम प्रकार के उत्तोलक को संतुलन का लीवर, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक को बल का लीवर, और तृतीय प्रकार के उत्तोलक को गति का लीवर, गति का उत्तोलक कहते हैं, जैसे मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाई जाती है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। नेक्स्ट है, लीवर का भाग कौन सा है? तीन चीजें होती है, एक एक्सिस, फोर्स और रेसिस्टेंस, यानी कि फोर्स, रेसिस्टेंस एंड एक्सिस, ये तीनों चीजें होता है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट होगा।
नेक्स्ट है बल का प्रमुख प्रकार क्या है। तो दोस्तों इंटरनल फोर्स जो मांसपेशी द्वारा लगाया जाता है वह फोर्स, जैसे कि आपका वह फोर्स में आपका घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध आदि आ जाता है। और जड़त्वीय बल यानी इंटीरियर फोर्स, ये सभी आपका राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों मनोरंजन उपलब्ध करने वाले अभिकरण कितने होते हैं, तभी जस्ट आपको पता है चार होते हैं, शासकीय, स्वयंसेवी, निजी एंड व्यापारिक। नेक्स्ट है न्यूटन का प्रथम नियम है। तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर गो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों कि नर्चर को जाना जाता है, नेचर एंड नर्चर यानी प्रकृति, नेचर मतलब प्रकृति और नर्चर मतलब पोषण करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों नेचर शब्द आएगा तो आपका प्रकृति से हो जाएगा वंशानुक्रम से, और नर्चर जो होगा वो पोषण, पोषण कौन देता है, इन्वायरमेंट देता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परिवार से यानी कि फैमिली से। नेक्स्ट है रीसेट और मोशन का अध्ययन इसके अंतर्गत होता है। तो रीसेट एंड मोशन का अध्ययन जो होता है, मोशन यानी गति का अध्ययन, मानव शरीर के अंगों की गति के बारे में गति विज्ञान यानी कि किनेसियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, और उपकरणों के साथ मानव शरीर के अंगों का गति, कितने कोण पर एंगल से कोई चीज फेंका जा रहा है, कितनी कोण के एंगल पर मुड़ा जा रहा है, सभी चीजें बायोमैकेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो बायोमैकेनिक्स आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों एथलेटिक की चोटों का बचाव किया जा सकता है। तो दोस्तों जितने भी एथलेटिक के चोटें हैं यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों यहां पे ध्यान से देखेंगे तो बचाव किया जा सकता है, बचाव करने की बात है तो पहले सावधान होने की बात है, तो वार्मिंग अप से राइट होगा, वार्मिंग अप से आपका राइट होगा। वार्मिंग अप करने से, शरीर को गर्माने से जो हमारे मसल्स होते हैं, जोड़ होते हैं, वो सभी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे चोट कम लगती है। और जब एथलेटिक चोटें लग जाती हैं उसके बाद सबसे प्रथम उपचार होता है क्रायोथेरेपी यानी कि बर्फ चिकित्सा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है एब्डोमन यानी कि पेट की पेशी को विकसित किया जाता है दोस्तों। तो जो आपका सिटअप होता है उससे भी किया जाता है, तो यहाँ पे आपका रनिंग से तो आपका स्पीड डेवलप होगा, एंड बैक हाइपर एक्सटेंशन से फ्लेक्सिबिलिटी, एंड पुशअप से आपका जो कंधे की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वो डेवलप होगा। एब्डोमिनल क्रंच, जैसे कि आप क्रंच लगाते हैं और आधा सीटअप लगाते हैं, तो एब्डोमिनल क्रंच जो होता है वो पेट की पेशी को यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करता है। नेक्स्ट है स्ट्रेन, स्प्रेन एंड टेंडन इंजरी में प्रथम चिकित्सा क्या होती है दोस्तों। तो प्रथम चिकित्सा की बात करेगा तो हमेशा बर्फ की थैली का प्रयोग यानी कि आइस थेरेपी या क्रायोथेरेपी, यानी ठंडी चिकित्सा को क्रायोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका संबंध जो है मोशन यानी गति और रेस्ट दोनों से है, तो वन और टू दोनों राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो। नेक्स्ट है निचले धड़ यानी लोअर टोर्सो में विस्फोटक शक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। दोस्तों जो टोर्सो होता है वो कमर से कंधे तक का भाग होता है, इसमें दोनों हाथ दोनों पैर नहीं आते हैं, तो कमर से कंधे तक का भाग को टोर्सो कहा जाता है। जैसे कि हमारे जो दौड़ की समाप्ति होती है वो तीन प्रकार की होती है, रन थ्रो, लंज थ्रो एंड शोल्डर्स रन। रन थ्रो जो होता है पूर्ण वेग से समाप्ति होती है, जो फिनिश लाइन को सीधे पार कर दिया जाता है, और लंज थ्रो जो होता है जिसे ड्रॉप फिनिश या टेक्निक या लंज थ्रो कहा जाता है, जो सीने द्वारा समाप्ति होता है, और शोल्डर्स रन जो होता है वो कंधे द्वारा समाप्ति होता है। लेकिन इन तीनों में एक मेन पॉइंट होता है कि किसी भी विधि से आप समाप्ति कीजिए, समाप्त तभी माना जाएगा जब आपका टोर्सो वाला भाग जो कमर से कंधे तक का भाग है
वो एंड लाइन के पार करेगा तभी आपका समाप्त माना जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि निचले धड़ यानी कि लोअर टोर्सो में विस्फोटक शक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है तो रेत में दौड़ना यानी कि बालू में दौड़ना आपका सबसे बेस्ट होगा। लोअर टोर्सो जैसे कि कमर से धड़ तक का भाग, धड़ अपर टोर्सो हो गया, कमर लोअर टोर्सो हो गया, तो उसको विस्फोटक शक्ति विकसित करने का जो सर्वोत्तम तरीका है रेत में दौड़ आपका होगा। एंड नेक्स्ट है एड़ी की चोट का तुरंत लक्षण है तो दोस्तों सूजन यानी ओडेमा, बॉडी में कहीं भी सूजन हो जाए उसे ओडेमा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैविक क्षमता यानी कि बायोलॉजिकल एबिलिटी, इसकी सहायता से मापा जाता है जो वाइटल कैपेसिटी होता है। बायोलॉजिकल एबिलिटी जो वेट स्पायरोमीटर से मापा जाता है यानी जो हमारी श्वसन क्षमता होती है। नेक्स्ट है ओडेमा तुरंत परिलक्षित करता है तो दोस्तों जो ओडेमा यानी कि जो सूजन होता है ओडेमा को सूजन कहा जाता है या मोच यानी स्प्रेन वाले चोट में सूजन से पता चलता है कि मोच आ गया है। नेक्स्ट दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या है तो दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है वह एक डोपिंग एजेंट है एंड प्रदर्शन बढ़ाने वाला एजेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क और घ दोनों। दोस्तों जो एनाबोलिक स्टेरॉइड है यह खेल की दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है और एनाबोलिक स्टेरॉइड को शॉर्ट में AAS बोला जाता है यानी एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉइड। एंड्रोजेनिक का अर्थ होता है पौरुष तत्व यानी कि मस्कुलिनिंग और एनाबोलिक का अर्थ होता है टिश्यू बिल्डिंग यानी उत्कों का निर्माण। यह जो है पेशियों की ताकत और सहनशीलता में असीम वृद्धि कर देता है और खिलाड़ी जो है अपने को मानसिक रूप से मजबूत समझने लगता है। अगर महिलाएं इसका प्रयोग करती हैं तो पौरुष तत्व के गुण जैसे आवाज भारी दाढ़ी मूंछ आदि आ जाते हैं और एनाबोलिक स्टेरॉइड जो है पुरुषों के हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जैसा समझा जाता है। और दोस्तों एनाबोलिक स्टेरॉइड के अंतर्गत मुख्य प्रेरक एजेंट्स आते हैं जैसे कि नाडोलोन, स्टेनेजोल, टेस्टोस्टेरोन, ट्रेनबोलोन, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन, मिथेनोलोन, टेट्राहाइड्रोस्टेरोन, स्टेरोन आदि आता है। नेक्स्ट है त्वरण क्षमता यानी एक्सीलरेशन कैपेसिटी एंड प्रतिक्रिया क्षमता यानी रिएक्शन टाइम है तो दोस्तों यह स्पीड के भाग है, स्पीड के भाग है। जैसे कि रिएक्शन टाइम वो होता है कि वह क्षमता जो एक संकेत पर जल्दी व सही रूप से प्रतिक्रिया करे जैसे कि आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, खेलों के दौरान स्थिति के अनुसार। तो यहाँ पे जैसे कि 100 मीटर पर फर्राटा दौड़ में बंदूक की आवाज द्वारा संकेत मिलना और एक्सेलरेशन कैपेसिटी क्या होता है यानी कि जो त्वरण योग्यता होता है वह होता है यानी कि स्थिर अवस्था में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को एक्सेलरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। यानी कि वह क्षमता जो चाल की उच्च गति को प्राप्त करने में सहायक होती है यानी कम संभावित समय में अधिकतम गति प्राप्त करना की योग्यता को एक्सेलरेशन कैपेसिटी कहा जाता है। यह कम से कम 20 से 40 मीटर यानी कि 60 से 60 मीटर यानी कि अधिकतम यह जो दौड़ स्टार्ट होता है उसे 20 40 या 60 मीटर तक आपका होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वजन सहित शक्ति विकास का व्यायाम है तो दोस्तों यहाँ पे जो बेंच प्रेस है वह वजन सहित शक्ति विकास यानी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट का व्यायाम है। नेक्स्ट है अंतराल प्रशिक्षण यानी इंटरवल ट्रेनिंग में क्या होता है तो दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग में जो होता है
अरेस्ट एंड कैफोर्ड विधि भी इसको कहा जाता है। इसे सहनशीलता और गति सहनशीलता दोनों डेवलप होती है और इसमें जो है इनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। जैसे कि आप एक ट्रेनिंग को शुरू कर रहे हैं, आपका हार्ट रेट 180 तक पहुंचते ही क्रियाकलाप रोक दिया जाता है और जो ही इनकम्प्लीट रिकवरी यानी कि के आधार पर 120 तक हार्ट रेट पहुंचता है त्यों ही अधूरी रिकवरी के आधार पर पुनः प्रतिकी ट्रेनिंग जो है शुरू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा व्यायाम की तीव्रता मध्यम से उच्च होती है अंतराल प्रशिक्षण में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वजन रहित यानी बिना वजन के शक्ति विकास का व्यायाम है? तो दोस्तों बेंच प्रेस वजन सहित है, क्लीन एंड प्रेस भी है, बैक प्रेस भी है, जबकि जंप एंड जैक ये आपका वजन सहित वजन रहित बिना वजन का व्यायाम प्रशिक्षण है। नेक्स्ट है, ताकत तथा गति का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है? दोस्तों तो गति और शक्ति का मिश्रण कहलाता है विस्फोटक क्षमता। नेक्स्ट है, ट्रेडमिल का प्रयोग निम्न में से क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों तो गति में किया गया दौड़ यानी कि कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता यानी कि एंड्योरेंस डेवलप किया जाता है, मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, कार्ट यूजन शब्द संबंधित है। कार्ट यूजन शब्द जो है यह चोट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चोट से रिलेटेड है यानी कि चमड़ी के नीचे पेशी में रक्त जम जाना या नीला पड़ जाना को कार्ट यूजन कहा जाता है। जैसे किसी बाहरी उपकरण के जोरदार प्रहार से या पेशी के किसी से टकरा जाने पर इसमें रक्त वाहिनियाँ, पेशी, टेंडन या तंत्रिकाएं सम्मिलित होती है यानी कि प्रहार के कारण रक्त वाहिनियों के कुचल जाने से रक्त पेशियों में आ जाता है और त्वचा फुरता नहीं है, इसलिए इसको गुम चोट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निम्न के मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको पता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस यानी कि सहनशीलता को मापा जाता है कार्डियो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को लीजिन ग्रोहा ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में स्टूडेंट पर सबसे पहले प्रयोग किया 1943 में। नेक्स्ट है, गोनियोमीटर द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों यह से फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लोच का माप किया जाता है। नेक्स्ट है, स्काउट एंड गाइड नामक कार्यक्रम किस प्रकार के मनोरंजन अभिकरण के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों स्काउट एंड गाइड जो है वह स्वयं से भी मनोरंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, स्क्रैप त्वचा की चोट का क्या कहते हैं? दोस्तों तो उसको एवरेजन यानी कि लाल पड़ जाना कहा जाता है। नेक्स्ट है, फॉर्टलेक ट्रेनिंग के प्रयोग से विकसित होती है? दोस्तों तो फॉर्टलेक ट्रेनिंग जो है से सहनशीलता डेवलप होता है, जिससे 1937 में गोस्टा होमलर ने इसको खोजा था। सहनशीलता डेवलप होता है इससे। नेक्स्ट है, क्रायोथेरेपी प्रथम उपचार के रूप में निम्न चोटों में दी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे स्प्रेन स्ट्रेन जो एथलेटिक प्रकार की चोटें हैं उसमें दिया जाता है, क और ग दोनों में, क्योंकि फ्रैक्चर में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है, हाइड्रोथेरेपी में प्रयोग होता है? तो हाइड्रोथेरेपी में पानी का प्रयोग किया जाता है, जो पानी द्वारा चिकित्सा किया जाता है उसको हाइड्रोथेरेपी कहा जाता है। अब बर्फ द्वारा भी चिकित्सा को, ठंडी चिकित्सा को क्रायोथेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट है, एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तभी जस्ट बताई हूँ, एनाबोलिक स्टेरॉयड जो पेशियों में असीम शक्ति और क्षमता बढ़ा देता है, तो ये पेशियों पर इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों आज के सीजन में 50 MCQ क्वेश्चंस का आपने प्रैक्टिस किया। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों इसी प्रकार आप डेली बेसिस प्रैक्टिस करते रहिए और डेली बेसिस मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।